क्या पुदीना और बचा हुआ था हमने वो भी डाल दिया है। अब हम इसको दम के लिए लगा दें, इसमें अच्छा सा फ्रेंड्स, तो आज मैं एक शॉर्टकट में जल्दी में बनने वाली एक डिश जो बिरयानी, जो कि बहुत ट्रिपिकल मानते हैं लोग, तो मैं आज जल्दी में कुछ मेरे घर पे मेहमान आए, तो अगर आपके पास कोई मेहमान अर्जेंट से आ जाए तो शॉर्टकट में जो है बिरयानी बनती है बहुत टेस्टी। लाजवाब, एक बार मैं उसकी रेसिपी आपको बता देता हूँ और मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो ये मैंने मटन लिया था, 1 kg मटन है ये बकरे का, साथ में मैंने इसको मैरिनेट किया बस 10 मिनट के लिए, खाली दही डाला और कुछ खड़ा मसाला डाला और इलायची वगैरह डाल के इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। अब मैंने मैरिनेट में आपको करके दिखाना था बट मैं थोड़ा जल्दी में था इस करके मैंने नहीं दिखाया, सिंपल है बिल्कुल। तो ये मैंने बना दिया है, अब थोड़ी देर में मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसकी अगली प्रोसेस करनी है। 10 मिनट के लिए इसको खाली मैरिनेट करके इसको छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। चलो तो हम फटाफट से जो है, मैंने 2 प्याज ले लिया है, 2 पहले छील दिया है, टोटल 4 प्याज, जल्दी से हम प्याज काट देते हैं। इसके नीचे से ये गांठ जैसे निकाल देनी है, उससे क्या होता है कि प्याज आपका जो बिल्कुल एक एक करके खिल जाएगा, अदरवाइज इसके में फंसी रहने से जो है प्याज गांठ जैसा दिखता है, मज़ा नहीं आता है इसका, अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए मैंने 3 प्याज जो है लंबे लंबे काट दिए हैं, अभी एक छोटा सा प्याज हम अलग से काटेंगे उसके लिए, तड़के के लिए, इसको हम चलिए साइड में रख लेते हैं। चलिए तो हमने एक छोटे से प्याज को बारीक से चॉप कर लिया है, ये हम इस पर तड़का लगाएंगे उसके लिए है ये। हमने हीटर जला लिया है, इसके ऊपर अब ये कुकर रख दिया है, कुकर को हमने गर्म करने के बाद इसमें सरसों का तेल हमने थोड़ा सा डाल दिया। ये तेल थोड़ा ज़्यादा आपको दिखेगा, वाकई में तेल थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन हम इसमें से प्याज को भून के निकालेंगे, कोई ब्राउन प्याज ऑनियन को ब्राउन करके थोड़ा सा निकालेंगे, बाकी तड़के के लिए थोड़ा सा छोड़ देंगे। चलिए तेल हमारा गर्म हो चुका है, ये देखिए धुआं निकल रहा है आप देख रहे हो, तो हम इसमें प्याज डाल देते हैं। प्याज हमारा भुन रहा है, अभी ब्राउन नहीं हुआ, जैसे ही ब्राउन हो जाएगा हम इसको निकालेंगे बाहर। चलिए दोस्त, जब तक हमारा प्याज भुनता है हम 2 टमाटर लेंगे, 2 टमाटर को अच्छे से काट लेंगे। हो चुका है, हम इसको निकाल रहे हैं। यस, तो देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, हमने बाहर निकाल दिया है प्याज को, हम इसको थोड़ा सा ऐसे रख देंगे। हमने कुकर में अभी थोड़ा सा तेल रहने दिया है, अभी थोड़ा सा हमें तड़का बनाना है, भूनना है प्याज को आधे से प्याज को, उसके लिए हमने बाकी जो प्याज एक छोटा सा हमने बारीक करके रखा था, चॉप करके रखा था, उसको हमने इसमें डाल दिया है, हम इसको भूनेंगे अब तड़के के लिए। दो टमाटर को हमने ऐसे लंबे में काट दिया है और एक टमाटर हम बारीक करेंगे इसको। प्याज भून चुकी है, अभी हम इसमें थोड़े से खड़ा मसाला डालेंगे जिसमें इलायची, धनिया और बड़ी इलायची वगैरह है, इससे क्या है कि लास्ट में डालने से मसाला ज्यादा जलेगा नहीं। हम चलो टमाटर डाल देते हैं इसको अच्छे से हम, ताकि इसको हमने इसको भी भून लेना है। इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा बिल्कुल, और उसमें थोड़ा सा हल्दी, बिल्कुल थोड़ा सा। चल क्या करेंगे जी, हमारा मसाला भून चुका है, अब हम इसमें जो मैरिनेट करके रखा हुआ था जो अपना मटन, हम उसको डालेंगे। इसका जो मैरिनेट किया हुआ है वो भी हम इसमें डाल देंगे सारा। इसको हम थोड़ी देर के लिए अच्छे से भून लेंगे इसको, इसी मसाले और इसी जो इसमें थोड़ा सा वो तड़का है उसमें भून लेंगे इसको अच्छे से।
हमने जो है ये जो टमाटर थोड़ा सा काट के रखा हुआ है, तो इसके साथ में कुछ हरी मिर्ची हमने दो चार लेनी है, चार पांच हरी मिर्च लेने हैं। इसको हम पतले से काट लेंगे लंबे से। तब तक जो है मटन है वो कैसे भुन रहा है, बहुत बढ़िया सा अच्छा सा आपको दिख रहा होगा, देखो खुशबू इसमें, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, कलर भी आपको दिख रहा होगा कितना प्यारा हो गया है इसका। अब हम 2 मिनट के लिए इसको और भुनेंगे, उसको हम फिर सीटी लगाने के लिए छोड़ देंगे, ताकि मटन जो है हमारा अच्छे से पक सके। मटन हमारे अच्छे से भुन चुकी है, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल, बस हो गया, लगभग आधा गिलास पानी हमने ऐड किया है। अब हम इसको सीटी लगाने के लिए छोड़ देंगे। हमने गैस जला दिया है, अब हम इसको कुकर को गैस पे रख देंगे कम से कम 15 मिनट के लिए, 2-4 सीटी लगने देंगे ताकि हमारा मीट अच्छे से पक जाए। दोस्तों जब तक हमारे मटन को सीटी लग रहा है, तब तक हम चावल के पानी चढ़ाते थे, मैंने चढ़ा दिया है चावल के लिए। हमारा चावल का पानी उबल चुका है, इसमें मैंने थोड़े से मसाले डालने हैं। ये हमने एक बड़ी इलायची कूट के डाल दिया है, 2-3 छोटे टुकड़े दालचीनी के, और 2 इलायची कूट के डाल दिया मैंने, इसमें डाल देना है। और हमने एक साफ कपड़े में थोड़ा सा खड़ा मसाला बांध दिया है, इसको भी हमने चावल के पानी में डाल देना है, ताकि इसका भी स्वाद आ जाए और मसाले ज़्यादा ना हो। देखिए दोस्तों तब तक हमारा मटन का भी सीटी लग रहा है। दोस्तों हमने तो ये उबले हुए पानी में अच्छे से, पानी में चावल को अच्छे से धो के हमने डाल दिया है, और इसको हम उबालने छोड़ देते हैं, इसको हम हाफ बॉईल करेंगे। चावल हमारे अच्छे से उबल रहा है, इसको बीच बीच में चेक करना एक बार, कहीं नीचे लग ना जाए। चलो बिल्कुल नहीं लग रहा। फ्रेंड्स तो इसमें हमने 2-3 जो है हरा पुदीने के पत्ते तोड़ के डाल देने हैं, ताकि इसकी खुशबू बनी रहे। नहीं खुश लग रहा, पक गया है। हाँ ये लगभग पक गया है, हमें खाली हाफ बॉईल करने हैं, आधा चावल पकाने हैं, और ठंडा पानी ऐड करना होगा। इससे क्या होता है, चावल बिल्कुल खिल जाता है। आप लोगों को फ्रेंड्स बता दूं, मैं जो लोग ज़्यादातर बासमती के बनाते हैं, नहीं ये मेरा देसी चावल है, लोकल चावल का बनाते हैं, उसमें भी इतना ही टेस्टी बनता है चावल ही हमारा। चावल को इसमें हाफ बॉईल को इसमें स्ट्रेन करना है, स्ट्रेनर में, राइस स्ट्रेनर में स्ट्रेन करना है। हमने सारे चावल को इसमें स्टेन कर लिया है अच्छे से। अब हम इसकी पानी निचोड़ने की तैयारी करेंगे, इसको अच्छे से इस तरह रखना, इसकी पानी तरह 2 मिनट इसको छोड़ देंगे, इसके पानी निचोड़ जाएगी हमारी। गाइस तो हमारी मटन जो है पक चुकी है, मैं आपको दिखाते हूँ, देखिए बिल्कुल रेशा रेशा हो गया, हड्डी अलग हो गया, बिल्कुल नरम हो गया, सॉफ्ट। वो तरी निकालनी है इसमें से मटन की, और कुछ मटन भी हम नीचे रखेंगे। मटन तो हम लगभग सारे नीचे डाल, ये हमारी एक लेयर मटन की डल चुकी है, आप ये देख लीजिए। ये 2 पत्ते हमने धनिया के डाल दिए, हमने जो मिर्च काटा था पुदीने के डाल दिया है, और हमने ये मिर्च काटा था, ये मिर्च हमने डाल दिया है। अब हम इसमें एक लेयर राइस का डालेंगे। ये हमने जो मसाला डाला था अलग से, वो हम उसको हम बाहर निकाल देते हैं। डाल दिया है, अब हम इस पे क्या करेंगे, हमने जो टमाटर काटा था उसकी एक लेयर डाल देंगे अच्छे से। इसमें हम 1-2 हरी मिर्च और डाल देंगे ये, और अब इस पे हम 2 पत्ते धनिया की और डाल देते हैं, इस पे पुदीने के 2 पत्ते और डाल देते हैं। ये हमने अब इसमें हमने थोड़े से तरी और ऐड करनी है। ये भी हमने ऐड कर दिया है, हमने एक लहर राइस का और डालना है। हम इसी पे फिनिश करेंगे, सारे डाल देंगे इसमें।
ये हमने राइस का लेयर लास्ट डाल दिया है। अब हम इस पे क्या करेंगे, ये जो टमाटर हमने और थोड़े से बचे हुए थे हमने वो डाल देने हैं। ये हमने टमाटर हरी मिर्च डाल दिया और हमारे पास जो हमने प्याज रखा था भून के वो हमें बीच में डालना रह गया, पर हम ऊपर डाल देंगे सारे। ये हमने ये डाल दिया है। अब हम इसमें जो तरी बचा हुआ हम उसको भी ऐड कर देंगे इसमें। ये हमने लास्ट जो लहर लगा थी उस पर हमने थोड़े से हरे धनिया पत्ते क्या पुदीना और बचा हुआ था हमने वो भी डाल दिया है। अब हम इसको दम के लिए लगा दें। इसमें अच्छा सा साफ कपड़े के साथ ढक्कन को लगा के साफ कपड़ा लगा देते हैं। साफ कपड़ा हमने रख दिया है इसके ऊपर और हम इस पर ढक्कन को रख देंगे। इसको अच्छे से दम पे छोड़ देंगे, लो फ्लेम पे कम से कम ये 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे हमें। गैस तो हमारी बिरयानी बन चुकी है। चलो हम निकालते हैं, खोलते हैं इसको, देखते हैं। सबसे पहले तो आओ देखिए खुशबू कितना है। ये बन चुकी है हमारी। अब एक साइड से हम निकाल के देखते हैं आपको। ये मैं आपको बता दूं, बिल्कुल इसमें कोई फूड कलर कुछ नहीं, बिल्कुल नेचुरल है और हमने बिल्कुल सिंपल बनाया है। आपके पास अगर अचानक से आपके घर पे कोई रिश्तेदार आ जाता है तो आपके पास मटन चिकन अगर अवेलेबल हो तो आप जल्दी में ये इस काम को कर सकते हो बढ़िया सा। आज तो हमारी बिरयानी बन चुका है। मैं इसको टेस्ट करने के लिए निकाल चुका हूँ। खुशबू तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो चलिए देखते हैं। ये मैं आपको बता दूँ, चलिए पहले मैं टेस्ट करता हूँ। बिस्मिल्लाह। वाकई में शॉर्टकट बनने वाले और अच्छी चीज़ अगर आप बनाना चाहते हो, अपने मेहमान को खिला चाहते हो, तो इस तरह बिरयानी बना सकते हो। और ये क्या है कि बिल्कुल देसी स्टाइल है, गाँव के स्टाइल में हमने बनाया, कोई इसमें कुछ भी मिलाया नहीं है। जो सिंपल हमारे घर में जो अवेलेबल है हम उस चीज़ पर बनाया है। तो वाकई में ये बहुत अच्छी बिरयानी बनी है।